क्लास 8, वेलकम टू द क्लास। आज हम व्याकरण विधि से फोर्थ चैप्टर संज्ञा के विषय में जानेंगे। यद्यपि संज्ञा के बारे में बच्चों आप काफी कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। सामने ऋचा बगीचे में गई। बगीचे में हरी घास और फूल थे। बगीचे में मोर और तोते घूम रहे थे। ऋचा को बगीचे की हरियाली और सुंदरता ने मोह लिया। यह दिल्ली का बाल उद्यान है। ऋचा ने सोचा, मैं यहाँ रोज आऊंगी। हमने कुछ सेंटेंस पढ़े। इन सभी वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। रेखांकित शब्दों में या तो व्यक्तियों का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, प्राणी का नाम है या भाव का नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। इसी तरह से हम कुछ की संख्या को गिन सकते हैं और कुछ अगणनीय होते हैं, मतलब उनको गिना नहीं जा सकता। ऊपर आए हुए वाक्यों में ऋचा, बगीचा, दिल्ली, बाल उद्यान, घास, फूल, तोता, मोर, ऋचा, सुंदरता, हरियाली आदि शब्द हैं। अगर हम इन शब्दों में देखें तो कुछ शब्दों को हम गिन सकते हैं, लेकिन कुछ को हम नहीं गिन सकते। जैसे पेड़ है, बच्चा है, फल है, ये सब कैसे हैं? गणनीय संज्ञा शब्द, यानी कि इनको गिना जा सकता है। और कुछ कैसी होती है? जिनको गिना नहीं जा सकता। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के संज्ञा शब्दों के विषय में, यानी किस किस चीज को या किस किस नाम को हम संज्ञा के हिसाब से जानते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे चंद्रशेखर आजाद, अभिमन्यु, मीराबाई आदि। पशु पक्षियों के नाम चिड़िया, कबूतर, कोयल, कौवा आदि। स्थानों के नाम भारत, श्रीलंका। पर्वतों के नाम विंध्याचल, अरावली। नदियों के नाम कावेरी, गंगा। धातुओं के नाम सोना, चांदी। वस्तुओं के नाम गिलास, मेज। द्रव्यों के नाम तेल, घी। समुदायों के नाम रेवड़, झुंड। भावों के नाम मित्रता, वीरता आदि। यानी कि जो नाम बताने वाले शब्द हैं किसी भी व्यक्ति वस्तु का, वो कहलाते हैं संज्ञा। तो हम इनको देखते हैं संज्ञा के भेद। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे इनके विषय में अलग अलग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, यमुना, जवाहरलाल नेहरू, लाल किला आदि। ये विशिष्ट व्यक्तियों के नाम हैं या विशिष्ट वस्तुओं के नाम हैं या विशिष्ट नदी के नाम हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की जगह, किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, ठीक है, तो पहाड़ शब्द से बोध होता है ऐसी चट्टानी जगह जो ऊंची हो, बहुत ऊंची हो, ठीक। लड़की, गुड़िया आदि, ये क्रमशः क्या करते हैं? अपनी जाति का बोध कराते हैं। जैसे पहाड़ है, भेड़ है, लड़की, गुड़िया, तो ये क्या है? ये अपनी अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अगर हम पहाड़ की जगह हिमालय नाम ले लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है, ठीक है, द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, जैसे दूध है, पानी है इत्यादि, ठीक है। वस्तु है जैसे लकड़ी इत्यादि, और इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें जैसे चावल, दाल आदि, तो वो भी इसी में शामिल किया जाता है। और ये संज्ञाएं, यानी इन संज्ञाओं के अंतर्गत जो शब्द आते हैं, उनको केवल नापा या तोला जा सकता है,
ये संज्ञाओं को हम गिनते नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सामने चित्र दिया गया है, परिवार है ना, तो परिवार में छोटे बड़े सभी सदस्य हैं, बट इसको हम वन यूनिट की तरह काउंट करते हैं। देन है सभा। सभा में उपस्थित लोग बहुत सारे हैं, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवा कोई भी हो सकता है, लेकिन सभा कैसी है, एक वचन। परिवार और सभा हालांकि समूह होने का बोध कराते हैं, तो ये क्या हुई, समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। भीड़ शोर मचाने लगी, सभा समाप्त हो गई, शेर को आता देखकर हिरनों का दल भाग गया, सारा परिवार भोजन कर रहा है, टिड्डी दल गेहूं के पौधों पर टूट पड़ा। टिड्डी दल को हमने कैसे काउंट किया, एक। हिरनों का दल एक, भीड़ को एक, और सभा एक, और सारा परिवार एक। अर्थात समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग, समुदायवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसा होता है, केवल एक वचन में, जबकि वो बोध कैसे कराते हैं, समूह का या समुदाय का। आई होप बच्चों संज्ञा के 5 भेदों में से जो 4 आज हमने पढ़े हैं वो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। 5वां भेद भाववाचक संज्ञा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।